माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाइलैंडर्स के वाइट जूते। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे वाइट स्निकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि कम प्राइस में ज्यादा अच्छे शूज कौन दे रहा है, तो उस लिस्ट में सबसे पहले आता है हाइलैंडर्स। हाइलैंडर्स के जूते काफी अच्छे होते हैं। इससे पहले मैंने हाइलैंडर्स की जीन्स भी ट्राई करी थी, ऊपर आइकन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हाइलैंडर्स के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। इनके एक ब्लू कलर के स्निकर्स भी आते हैं, वो मैंने ट्राई करे थे, वो मेरे लगभग 6 महीना चले और फिर टूट गए थे, तो उधर एक्सपीरियंस काफी बिटर रहा मेरा। लेकिन लेट्स सी, आई गेस व्हाइट स्निकर्स अच्छे होंगे। तो आइए अब इस अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हाइलैंडर के व्हाइट स्निकर्स की। पैकिंग आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिंत्रा से मैंने जो इससे पहले हाइलैंडर्स के शूज मंगाए थे, वो भी ऐसी सेम पैकिंग में आए थे। हाउएवर एक चीज़ है, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये। आइए इसको खोल लेता हूँ अब मैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मिंत्रा के जो पैकेजेस होते हैं उसमें खास चीज़ ये होती है, ये देख रहे हैं आप, स्कैन दिस QR कोड फॉर अ सरप्राइज ऑफर। मिंत्रा अपने कस्टमर्स को एक सरप्राइज ऑफर देता है अपने हर एक पैकेज के साथ। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ। ये हमारा हाइलैंडर्स के व्हाइट स्निकर्स का बॉक्स। तो जूता आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जूता काफी अच्छा लग रहा है, मजबूत भी है। ये पैटर्न देख रहे हैं शू पे, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए स्टिचेस हो रखे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इसके अंदर इस पेपर को निकालते हैं, सोल अच्छा है। और ये देखिए, फोकस कर लेते हैं इसको, ये देखिए, और ये ठीक है, स्टिचेस हैं हर जगह, काफ़ी मजबूत सी स्टिचेस हैं। जूता भी मजबूत लग रहा है मेरे को, देखिए इसको पहन के देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से पता लगेंगी। सोल भी इसका अच्छा है, देखिए रबर बेस सोल है, स्लिपरी सरफेसेस पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके लेस भी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसके अंदर ये निकल सकता है? नहीं ये नहीं निकल सकता, ये फिक्स है आपका, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। आइए इसको ट्राई कर लेता हूँ मैं। ओहो, जूते काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जूम करके दिखाऊं? ये देखिए, शॉर्ट जीन्स पे अगर आप इसको पहनोगे तो ये वाकई में काफ़ी अच्छे लगेंगे। जैसे जो मैंने जीन्स पहन रखी है अभी करंटली, इसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ये है कैच जीन्स, ये भी हाइलैंडर की सिस्टर ब्रांड है, जीन्स काफ़ी अच्छी है। इसका प्राइस था मात्र 358 रुपीज़। आइए जूते के थोड़े क्लोज शॉट दिखाता हूँ। जूते देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल भी मेरे को फील कर रहे हैं ये। मैंने इनफैक्ट सॉक्स नहीं पहना, आप देख सकते हो, उसके बावजूद भी मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जूते। सोल इसका काफ़ी कॉन्फिडेंस सा दे रहा है मेरे को। बाकी अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो, पार्टीज़, क्लबिंग या फिर किसी के साथ डेट पर, तो आप लोग लिटरली ये शूज़ पहन के जाओ, आपके साथ जो भी होगा आपके शूज़ की तारीफ ज़रूर करेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आप किसी के साथ डेट पर जाते हो तो फिर आपका आउटफिट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपसे पूछे कि भाई तुमने ये आउटफिट कहाँ से लिया, तो आप लोग बता सकते हो कि ये स्निकर्स मैंने यहाँ से लिए, ये जीन्स मैंने यहाँ से लिए, ट्राउजर मैंने यहाँ से लिया। तो हमारे आज के इस रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में इतना ही। रिव्यू के नाम पे ये जूते मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगे, रही बात इसके प्राइस की, ये मेरे को पड़े 885 रुपीज़ के। इसको बेस्ट बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग मेरे लिंक से परचेज करोगे तो इसका छोटा सा कमीशन अमाउंट मुझको मिलेगा, तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है मेरे को। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो देखने का मौका मिले और अपने आउटफिट को सुधारने का भी एक मौका मिले।
तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक करिए, मिलते हैं जल्दी ही, हास्ता ला वीस्ता।